मुथूट फाइनेंस में डकैती को बैंक मोड़ पुलिस ने किया विफल, एक को मार गिराया। 31 साल बाद धनबाद ने देखा लाइव एनकाउंटर। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है, मैं हूं मनीष सिंह। मंगलवार की सुबह धनबाद का घनी आबादी वाला क्षेत्र बैंक मोड़ गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बैंक मोड़ थाने से महज 150 से 200 मीटर की दूरी गोलियों की तड़तड़ाहट और सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ अपराधियों का मनोबल पुलिस तोड़ती दिखी। पुलिस और डकैतों के बीच इस मुठभेड़ में पुलिस ने सड़क किनारे ही एक डकैत को ढेर कर दिया, जबकि 2 कुख्यात लुटेरों को अपने कब्जे में ले लिया। धनबाद पुलिस के लाइव एनकाउंटर की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भारी भीड़ वहां जुट गई। पुलिस को एक तरफ सड़क की बैरिकेडिंग करनी पड़ी। बड़ा गुरुद्वारा के सामने हजारों लोगों की भीड़ जुटने से ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। मीडिया और चैम्बर नेताओं की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग धनबाद के बैंक मोड़ पुलिस और धनबाद SSP के नेतृत्व में हुई कार्रवाई की प्रशंसा कर रहे थे। पुलिस की दबिश पर अपराधी भागने लगे, जिसमें 2 लुटेरों को पुलिस ने दबोच लिया। हालांकि 2 लोग भागने में सफल रहे। पुलिस भागे अपराधियों की खोज में जुटी हुई है। पकड़े गए दोनों लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मौके से 2 बाइक और हथियार भी बरामद किए हैं। सूचना मिलने पर SSP संजीव कुमार, SP रेशमा रमेशन, DSP अरविंद कुमार सिन्हा सहित कई थाना के पुलिस भी पहुंची। पुलिस की गोली से मृत डकैत के शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया गया। बैंक मोड़ थाना प्रभारी ने कहा कि स्थानीय लोगों की सूचना पर वह तुरंत पहुंचे और कार्रवाई शुरू की। सर्च के दौरान उनकी ओर से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और एक को मार गिराया। वहीं SSP संजीव कुमार ने भी कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की है, एक अपराधी मार गिराया गया है। इसके पहले विगत 3 सितंबर की शाम को धनसार मोड़ स्थित गुंजन ज्वेलर्स से लुटेरे 50 लाख से अधिक कीमत के आभूषण लूटकर फरार हो चुके थे। इस घटना के बाद व्यापारियों में रोष है। मुथूट फाइनेंस कंपनी में डकैत कामयाब हो जाते तो पुलिस की साख को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया जा सकता था। जिला चैम्बर अध्यक्ष चेतन गोयनका ने कहा कि पुलिस ने एक बड़ी डकैती से बचा लिया। पुलिस ने जिस तरह अपराधियों का सामना किया वह काबिले तारीफ है। ऐसी कार्रवाई से अपराधियों का मनोबल टूटेगा।